आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आप लोगों को आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए? नमस्कार। आज केंद्रीय अंडमान सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है। इसके प्रभाव में 21 तारीख के आसपास पूर्व केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव क्षेत्र बनने का संभावना है। इसके बाद ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 23 तारीख के आसपास एक डिप्रेशन में परिणत हो सकता है। इसके बाद इसका गतिपथ उत्तर पश्चिम दिशा में जारी रहेगा। इसके प्रभाव में अंडमान सागर में और इसके आसपास इलाका में 19 से 21 तक स्क्वाली वेदर कंडीशंस यानी मोस्ट प्रेसिस में बारिश होने के साथ साथ तेज हवा जैसे 35-45 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है। सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 22 तारीख से शुरू करके 24 तारीख तक स्क्वाली वेदर और स्क्वाली कंडीशंस विंड कंडीशंस रहेगा। 22 तारीख को 35 से 45 किलोमीटर पर आवर विंड्स होते हुए 23 तारीख को 45-55 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड होने का संभावना है और गस्टीनेस में 65 किलोमीटर विंड स्पीड हो सकता है डिप्रेशन के साथ। नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में जो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल और ओडिशा तट के आसपास एरिया है, वहाँ भी विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा 23 तारीख से और 24 तारीख और 25 तारीख में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टीनेस में 65 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड होने का संभावना है। यही विंड स्पीड के साथ सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ होगा सेंट्रल बे ऑफ बंगाल 22 से 24 तारीख तक और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे 24 से 25 तारीख तक रफ टू वेरी रफ सी कंडीशन होगा। इसलिए हम मछुआरों को चेतावनी दिए हैं कि 21 से 21 तारीख तक अंडमान सागर को और 22 से 24 तारीख तक सेंट्रल बे ऑफ बंगाल को और 24 से 25 तारीख तक नॉर्थ बे ऑफ बंगाल को नहीं जाना चाहिए। जो भी मछुआरे भाई समुद्र के अंदर है 21 तारीख तक तट के पास वापस आ जाना चाहिए। ये जो पॉसिबल डिप्रेशन का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसके प्रभाव में अगले दो दिन के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल अंडमान निकोबार आइलैंड में हो सकता है। जैसे मैं बता रहा था सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ रह सकता है, इसलिए जो टूरिस्ट अभी अंडमान निकोबार आइलैंड जा रहे हैं 21 तारीख तक कॉशस होना चाहिए, पॉसिबल हो तो अवॉइड करना चाहिए जो कि समुद्र के अंदर जाते हैं। नॉर्थ आंध्र प्रदेश ओडिशा और वेस्ट बंगाल में आने वाले डिप्रेशन में बारिश होने का संभावना है। 23 तारीख में बारिश शुरू होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी रेनफॉल हो सकता है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश कोस्टल ओडिशा और कोस्टल एरिया वेस्ट बंगाल के। 24 तारीख और 25 तारीख को रेनफॉल का इंटेंसिटी बढ़ेगा और कुछ इलाके में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है स्पेशली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ओडिशा और वेस्ट बंगाल के। ये जो डिप्रेशन है इसका गतिपथ और सबसे ज्यादा तीव्रता क्या रहेगा, इसका पूर्वानुमान 21 तारीख को किया जाएगा जब लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होगा ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर। तब तक के लिए आप भारत मौसम विज्ञान विभाग की दिए हुए सतर्क सूचना में विश्वास रखिए और हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।
चीज का क्या नहीं है, इवन जो भी रिस्पांस पूछते हैं फोन में फोन कॉल करते हैं तो बराबर प्रॉम्प्ट रिप्लाई आता है और बराबर ज़्यादा से टेस्ट का रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप में आ जाता है, डिले नहीं है। और हमारा ऑपरेशन का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्या नहीं है, सब स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके सब कुछ अच्छे हैं।